Shivani. I'm Vaishnavi. And today we are starting our new YouTube channel, and that is Nivas Beautifying You. तो आज का हमारा टॉपिक है एक रिनोवेशन टॉपिक. जो भी आपके पास पुराने कपड़े पड़े होते हैं, जो आपको लग रहा है कि अभी पुराने हो गए हैं और जिन्हें आप पहनना अच्छा जिनको आपको पहनना अच्छा नहीं लगता, उसे हम कुछ न्यू लुक देने वाले, कुछ न्यू करने वाले, जिसके जो करने के बाद आपको लगेगा कि वाह कुछ तो है, कुछ अच्छा दिख रहा है. और ऐसे ही हमारे पास एक जैकेट है जो कि यहाँ है मेरे पास, मैं दिखाती हूँ आपको. तो ये है वो जैकेट जैसे कि आप देख रहे हैं, उसका पूरा ही लुक चला गया है. तो एक्चुअली इस पे पहले एक एम्ब्रॉयडरी थी जो हमने की थी, बट अब वो पुराना हो गया है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा था. तो हमने सोचा कि इसे रेनोवेट करते हैं. तो हमने वो वर्क निकाल लिया है और हम भी कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया लुक देने चाह रहे हैं उसको. तो इसलिए आज हम ऐसे जैकेट को रेनोवेट करेंगे. तो आपके पास भी अगर ऐसी कोई पुराने जैकेट्स है या फिर या कुछ भी है, श्रग है और आपको टॉप है, प्लेन जो सिंपल है, कुछ भी नहीं उसमें, आप किसी भी टाइप के जैकेट में, टॉप में या श्रग में वो लुक दे सकते हैं एज पर योर चॉइस. और इस जैकेट को रिनोवेट करने के लिए जो चीज़ें आपको लगने वाली है वो इस प्रकार है. हमको चाहिए नेट. तो हम इसके पहले तो फ्लावर्स बनाएंगे क्योंकि हमें फ्लावर्स चाहिए. तो हम इसके इस तरह के फ्लावर्स बनाने वाले हैं. यू कैन सी गाइस, लुक एट दिस. तो इस तरह के फ्लफी और अच्छे फ्लावर है, क्यूट फ्लावर्स हम इससे बनाने वाले हैं. तो हम दिखाते हैं आपको कैसे बनाने. तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हम नेट के भी स्ट्रिप कट कर रहे हैं. तो ये स्ट्रिप्स आपको 2x2 inch में कट करनी है. सॉरी, 2x2 नहीं, 2x2 inch का फ्लावर चाहिए. बड़ा चाहिए तो आप बड़ी स्ट्रिप कट करिए, छोटा चाहिए तो छोटी स्ट्रिप कट करिए, आपके हिसाब से. आपको जिस टाइप में फ्लावर चाहिए और जिस साइज का. तो इसके लिए आपको करना है कि पहले ये जो फैब्रिक है, आपको इसको आपके फिंगर्स में गोल गोल घुमा लेना है. और एक छोटी स्ट्रिप चाहिए जो हम उसको होल्ड करने के लिए लगेगी, जो हम उसको नॉट करेंगे. तो ये फैब्रिक लेंगे, स्ट्रिप, और उसको आप फिंगर के साथ ऐसे एक करेंगे रोटेट, और एग्जैक्टली मिडल में हम स्ट्रिप लेंगे और इसको नॉट कर देंगे. नॉट करने के बाद आपको एक कट करना है. दोनों साइड से कट करना है.
कट करने के बाद फ्लावर हमारा ऐसा दिखने लगेगा। तो आपको इसे साइड से जो एक्स्ट्रा का पार्ट है वो कट करना है, उसको राउंड शेप में देना है आपको। और हाँ, जितनी उंगलियों ज़्यादा लेंगे उतना ही बड़ा होगा वो, और जितने आप बड़ी स्ट्रिप लेंगे उतना ज़्यादा फ्लफी होगा। एज़ पर योर चॉइस, आपको जब अगर ज़्यादा फ्लफी और ज़्यादा स्ट्रक्चर देना हो तो आप ज़्यादा बड़ा फ्लावर बना। हम थोड़े छोटे बना रहे हैं क्यों गाइस, हमारे फ्लावर्स रेडी हो गए हैं, दिख रहे हैं आपको। ऐसे हमको जितने आपको चाहिए, मतलब जितना अपना एरिया है, जो जैकेट है और जो भी आपके पास रेनोवेट करने का, उसके हिसाब से आप उतने बना लीजिए। तो हमने सारे फ्लावर्स रेडी कर रहे हैं। तो ये फ्लावर्स हमने यहाँ पे रेडी करके रखे हैं, जो कि आपको दिख रहे हैं। बहुत सारे हमने बना लिए जो कि बहुत अच्छे दिख रहे हैं। तो गाइज हमारे फ्लावर तैयार है और हम इसे प्लेस करने वाले हैं इस जैकेट। तो हम कुछ इस तरह से करने वाले हैं, एक लाइन फ्लावर्स की और साइड में लेस। तो इसे हम वर्टिकली लगाने वाले हैं इस तरह से। तो इसके लिए आपको फैब्रिक ग्लू भी चाहिए, और अगर आपको चाहिए तो आप स्टिच भी कर सकते हो, हैंड स्टिच कर सकते हो, मशीन स्टिच कर सकते हो, लेकिन हम ग्लू इस्तेमाल करने वाले हैं। Thank you.
गाइस हमारा जैकेट बनके तैयार है और ये काफी अच्छा लग रहा है। जो पुराना था उससे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है और ऐसा कुछ नहीं कि हम बहुत ज्यादा खर्चा किया है इस पे, बहुत ही कम बजट में आप अपने पुराने जैकेट को रिनोवेट कर सकते हैं। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बिलो आपको ये जैकेट कैसा लगा, हमारा ये आइडिया कैसा लगा, और आप भी ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में हमें पिक्चर सेंड कीजिए। और गाइस अगर कुछ आपके कोई सजेशंस हो तो वो भी हमें प्लीज कमेंट कीजिए, और आपकी रिक्वेस्ट हो या कुछ आपको। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ इनोवेटिव एट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल आइडियाज के साथ। प्लीज स्टे विद अस। बाय फ्रेंड्स।